मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मंत्री श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी, वाइस चेयरमैन श्रीमान बैजनाथ राय जी, श्री राजन जी, श्री कैप्टन अभिमन्यु जी, सचिव श्रीमान शंकर अग्रवाल जी, सभी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और केंद्र और राज्य के भिन्न भिन्न सरकारों के प्रतिनिधि बंधुगण, ये भारत की श्रम संसद है और एक लंबे अरसे से हमारे देश में त्रिपक्षीय वार्ता का सिलसिला चला है। एक प्रकार से ये त्रिपक्षीय वार्ता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये अपने आप में एक उज्जवल इतिहास है कि 75 साल का हमारे पास एक गहरा अनुभव है। उद्योग जगत, सरकार एवं श्रम संगठन गत 75 वर्ष से लगातार बैठ करके, विचार विमर्श करके, मत भिन्नताओं के बीच भी मंथन करके अमृत निकालने का प्रयास करते रहे हैं और उसी संजीवनी से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और उसी कड़ी में आज ये श्रम संसद हो रहा है। हम सबके लिए प्रेरणा की बात है कि वो समारोह हैं जहां कभी बाबा साहब आंबेडकर का मार्गदर्शन मिला था, ये वो समारोह हैं जिसे कभी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान विवेक गिरी जी का मार्गदर्शन मिला था, अनेक महानुभावों के पदचिन्हों पर चलते चलते आज हम यहां पहुंचे हैं। समय का अपना एक प्रभाव होता है। आज से 70-75 साल पहले जिन बिंदुओं को विचार करने की जरूरत होती थी वो आज जरूरत नहीं होगी और आज जिन बिंदुओं को विचार करने की आवश्यकता है, हो सकता है 25 साल के बाद वे भी कालबाह्य हो जाएं, क्योंकि एक जीवंत व्यवस्था का ये लक्षण होता है नित्य नूतन, नित्य परिवर्तनशील और अच्छे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एकत्र आके आगे बढ़ना। इस बात में कोई दुविधा नहीं है, इस बात में कोई मतमतांतर नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का कितना बड़ा योगदान होता है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो अनऑर्गेनाइज लेबर का हिस्सा हो, और हमारे यहां तो सदियों से इन सबको एक शब्द से जाना जाता है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के रूप में जिसको जाना जाता है, माना जाता है, और इसलिए अगर श्रमिक रहेगा दुखी
तो देश कैसे होगा सुखी। और मैं नहीं मानता हूं कि इन मूलभूत बातों में हम में से किसी में कोई मतभेद है। मैं श्रम को एक महायज्ञ मानता हूं जिसमें कोट्यावधि लोग अपनी आहुति देते हैं। सिर्फ श्रम की नहीं, कभी कभार तो सपनों की भी आहुति देते हैं और तब जाकर के किसी और के सपने संजोए जा सकते हैं। अगर एक श्रमिक अपने सपनों को आहुत न करता तो किसी दूसरे के सपने कभी संजोए नहीं जा सकते। इतना बड़ा योगदान समाज के इस तबके का होता है। और उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमने आगे किस दिशा में जाना है उस पर हमें आगे बढ़ सोचना होगा। जब तक श्रमिक मालिक इनके बीच परिवार भाव पैदा नहीं होता है, अपनेपन का भाव पैदा नहीं होता है, मालिक अगर ये सोचता है कि वो किसी का पेट भरता है, श्रमिक ये कभी सोचता है कि मेरे पसीने से ही तुम्हारी दुनिया चलती है, तो मैं नहीं चलता हूं कारोबार ठीक चलेगा। लेकिन अगर परिवार भाव हो, एक श्रमिक का दुख मालिक को रात को बेचैन बना देता हो और फैक्ट्री का हुआ कोई नुकसान श्रमिक को रात को सोने न देता हो, यह परिवार भाव जब पैदा होता है तब विकास की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। और ये जिम्मेवारी हम जब निभाएंगे तब जाकर के मैं तो चाहूंगा कभी ये भी सोचा जा सकता है क्या, इन सारे चर्चाओं का कभी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे बड़े उद्योग और ऐसे छोटे उद्योग या मध्यम कद के उद्योग 50 साल पुराने हैं लेकिन कभी हड़ताल नहीं हुई, क्या कारण होगा? उसको चलाने वाले लोगों की सोच क्या रही होगी? उन्होंने उनके साथ किस प्रकार से नाता जोड़ा है? क्या हम आज नए उद्योगकारों को या एस्टैब्लिश उद्योगकारों को उनको ये नमूना दिखा सकते हैं कि हमारे ही सामने, हमारे ही देश में, इसी धरती में ये 50 उद्योग ऐसे हैं कि जो 50 साल से चल रहे हैं, हजारों की तादाद में श्रमिक हैं, लेकिन न कभी संघर्ष हुआ है, न कभी हड़ताल हुई है, न उनकी कोई शिकायत, न उनकी कोई शिकायत है। ये मंगलम माहौल जिन जिन इकाइयों में है कभी उनको छांट करके निकालना चाहिए। और उस मंगलम का कारण क्या है? इस मंगल अवस्था को प्राप्त करने के उनके तौर तरीके क्या है? अगर इन चीजों को हम श्रमिकों के सामने ले जाएंगे, इन चीजों को हम उद्योगकारों के सामने ले जाएंगे तो उनको भली भांति समझा सकते हैं। और मंगलम का जहां माहौल होगा वहां यह भी नजर आया होगा कि सिर्फ श्रमिक का असंतोष है ऐसा नहीं, वहां यह भी ध्यान में आया होगा कि उस उद्योग का विकास भी उतना ही हुआ होगा और उन श्रमिकों का विकास भी उतना ही हुआ होगा। जब तक हम इस भावात्मक अवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास नहीं करते हैं और जो सफल गाथाएं हैं उन सफल गाथाओं को हम उजागर नहीं करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हम सिर्फ कानूनों के द्वारा बंधनों को लगाते लगाते समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। हां, कानून उनके लिए जरूरी है कि जो
किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं। श्रमिक को इंसान भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनकी सुख सुविधा की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी मिनिमम आवश्यकताओं की ओर भी देखने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के कानूनों की उतनी ही जरूरत होती है, और इसलिए हम इस व्यवस्था को उस रूप में समझ करके चलाएं। एक सामाजिक दृष्टि से भी हमारे यहां सोचने की बहुत आवश्यकता है। किसी न किसी कारण से हमारे भीतर एक बहुत बड़ी बुराई पनप गई है, हमारी सोच का हिस्सा बन गई है। हर चीज को देखने के हमारे तरीके की आदत सा बन गया है, और वो है हम कभी भी श्रम करने वाले के प्रति आदर के भाव से देखते ही नहीं है। कोई बढ़िया कपड़े पहन करके हमारे दरवाजे की घंटी बजाए दोपहर 2 बजे, हम आराम से सोए हो, वो कोट पैंट शूट पहन करके आए और घंटी बजाए, तो हम नींद खराब हो गई होगी, दरवाजा खोलेंगे जैसा ही उसको देखें, अरे आइए आइए, कहाँ से आए, कौन है, क्या काम था, बैठिए बैठिए। और कोई ऑटो रिक्शा वाले ने घंटी बजाई, पता नहीं चलता है दोपहर 2 बजे हम सोते हैं, इस समय घंटी बजाते हो क्या, क्यों भाई, ये फर्क क्यों? ये जो हमारे सामाजिक जीवन की एक जो सबसे बड़ी कमी आई है, सदियों के कारण आई हुई है। लेकिन कभी न कभी डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक का सम्मान, ये समाज के नाते अगर हम स्वभाव नहीं बनाएंगे तो हम हमारे श्रमिकों के प्रति, जो कि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है, अगर कोई धोबी बढ़िया सा आयन न करता तो मैं ये कुर्ता पहन के कहां से आता यहां पर। और इसलिए जिनके भरोसे हमारी जिंदगी है उनके प्रति सम्मान का भाव, ये सामाजिक चरित्र कैसे पैदा हो, उसके लिए हम किस प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित करें। हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में उस प्रकार के सिलेबस कैसे आए ताकि सहज रूप से आने वाली पीढ़ियां हमारे श्रमिक के प्रति सम्मान के भाव से देखने लगे। आप देखिए माहौल अपने आप बदलना शुरू हो जाए। हमारी सरकार को सेवा करने का अवसर मिला है, श्रम संगठनों के साथ लगातार बातचीत चल रही है और त्रिपक्षीय बातचीत के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। कई पुरानी पुरानी गुत्थियां हैं सुलझानी है, और मुझे विश्वास है कि देश के श्रमिकों के आशीर्वाद से इन गुत्थियों को समझाने में हम सफल होंगे और समस्याओं का समाधान करने में हम कोई न कोई रास्ते खोलते चलेंगे, और सहमति से कानूनों का भी परिवर्तन करना होगा, कानूनों में कोई जोड़ना होगा, कुछ निकालना होगा, वो भी सहमति से करने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। निरंतर प्रक्रिया चलती रही है, आगे भी चलती रहने वाली है, कोई भी सरकार आए, ये कोई आखिरी कार्यक्रम कभी होता नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया का अपना महत्व है। मेरा विश्वास रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ये जो कानूनों के ढेर है, कानूनों का ऐसा कहीं खो जाए इंसान, पता नहीं इतने कानून बनाए के रखे हुए और हर एक को अपने फायदे वाला कानून ढूंढ सकता है, ऐसी स्थिति आज हर कोई उद्योगकार एक ही कानून में से उद्योगकार को अपने मतलब का निकालना है तो वो भी निकाल सकता है, श्रमिक संगठन को निकालना है तो वो भी निकाल सकता है, और सरकार को निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं।
क्योंकि टुकड़ों में सब चीजें चलती रही है, टुकड़ों में। जब तक हम एक एकत्रित भाव से, कॉम्पोजिट भाव से, हमें जाना कहाँ है उसको लेकर के, और इसलिए मैंने एक कमेटी भी बनाई है कि जो इन सारे पुराने कानूनों को जरा देख रही है, इसको सही कैसे किया जाए, और सच्चे अर्थ में जिनके लिए बनाए हैं कानून उनका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना कोई और जगह पे ऐसा कानून बन के बैठा हुआ है कि जो इसको आगे नहीं जाने देता। अब श्रमिक कहाँ लड़ेगा, कहाँ जाएगा, वो क्या कोर्ट कचहरी में इतने बड़े महंगे वकील रखेगा क्या? और इसलिए मेरा ये आग्रह है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कानूनों का एक बहुत बड़ा जाल हो गया है उसका सरलीकरण हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने हकों को भली भांति समझ पाए, हकों को प्राप्त कर पाए, ऐसी व्यवस्थाओं को हमने विकसित करने की दिशा में हमारा प्रयास है और मुझे विश्वास है कि हम उसको कर पाएंगे। मैं कभी कभी उद्योग जगत के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कभी हमारे इस फोरम में एक और पहलू पर भी हम सोच सकते हैं क्या, क्योंकि हमने अपने एजेंडे को बड़ा सीमित कर दिया है और जब तक उसका दायरा नहीं बढ़ाएंगे पूरे माहौल में बदलाव नहीं आएगा। कितने उद्योगकार हैं जिन्होंने अपने उद्योग चलाते चलाते ऐसा माहौल बनाया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि खुद का ही काम करने वाला एक मजदूर आगे चल करके एंटरप्रेन्योर बना? कभी ये ऐसी तो खोज के निकालना चाहिए। क्या उद्योगकार का यही काम है क्या कि 18-20 साल की उम्र में जो उसके आया यहाँ आया वो 60 साल का होने के बाद किसी काम का न रहे तब तक उसी के यहाँ फंसा पड़ा रहे? क्या ऐसा माहौल को सिर्फ उसने बताया कि भाई हाँ ठीक है वो मेरे यहाँ मजदूर के नाते आया था लेकिन मैंने देखा कि भाई उसमें बहुत बड़ी क्षमता है, टैलेंट है, थोड़ा मैं उसको सहारा दे दूँ वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है और मैं ही एक आध पुर्जा बनाएगा तो मैं खुद खरीद लूंगा जो मेरी फैक्ट्री के लिए जरूरी है, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तैयार हो जाएगा। कभी न कभी हमने सोचना चाहिए हमारे देश में छोटे और मध्यम या बड़े उद्योगकार कितने हैं कि जो हर वर्ष अपने ही यहाँ काम करने वाले कितने मजदूरों को उद्योगकार बनाया हो, एंटरप्रेन्योर बनाया हो, सप्लायर बनाया हो, कितनों को बनाया, कभी ये भी तो हिसाब लगाया जाए। उसी प्रकार से हमने देखा है कि आईटी फर्म, उसके विकास का मूल कारण क्या है? आईटी फर्म के विकास का मूल कारण यह है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को यह कहा कि कुछ समय तुम्हारा अपना समय है, तुम खुद सॉफ्टवेयर विकसित करो, तुम अपने दिमाग का उपयोग करो। और ये मोटिवेशन के कारण सॉफ्टवेयर की दुनिया में नई नई चीजें वो लेकर के आए, फिर वो कंपनी की बनी और बाद में जाकर के वो बिकी, अवसर दिया गया। हमारे इतने सारे उद्योग चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, केमिकल एक्टिविटी का काम करते हैं, क्या हमने हमारे यहाँ इस टैलेंट को इनोवेशन के लिए अवसर दिया है क्या? क्या उद्योगकारों को पता है क्या कि जिसको आप अनपढ़ मानते हो, जिसको आप अनस्किल्ड लेबर मानते हो, उसके अंदर भी वो ईश्वर ने ताकत दी है को आपकी फैक्ट्री में एक आध चीज ऐसी बदल देता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़ जाती है, बाजार में बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाता है, आप फायदा तो ले लेते हो लेकिन उसके इनोवेशन स्किल को रिकग्नाइज नहीं करते हो। मैं मानता हूं हमारे उद्योगकारों ने अपने जीवन में और सरकारों ने भी और श्रम संगठनों ने भी पूछना चाहिए कि कितने उद्योगकार हैं, कितने उद्योग हैं कि जहां पर इनोवेशन को बल दिया गया है, हर वर्ष से कम एक नया इनोवेटिव काम निकलता है क्या? हमारे यहां सेना के विशेष दिवस मनाए जाते हैं, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री सब जाते हैं, एट होम करते हो। तो मैं पिछली बार जब
हमारे सेना के लोगों के पास गया, तो मैंने उनको कहा भाई ठीक है, ये आपका चल रहा है कि यही चलाते रहोगे क्या? हम आते हैं 30-40 मिनट वहां रुकते हैं, चाय पान होते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मैंने कहा मेरा एक सुझाव है अगर आप कर सकते हो तो। तो बोले क्या है साहब? मैंने कहा क्या फौज में ऐसे छोटे छोटे लोग हैं क्या? सिपाही होंगे, छोटे लोग होंगे, लेकिन उन्होंने काम करते करते कोई ना कोई इनोवेशन किया है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत काम आता है। उसने नया आइडिया, क्योंकि वो फील्ड में है, उसको पता रहता है कि इसके बजाय ऐसा करें तो अच्छा होगा। मैंने ये कहा तो फिर हमारे आर्मी के लोगों ने ढूंढना शुरू किया। बहुत ही कम समय मिला था, लेकिन कोई 12-15 लोगों को ले आए वो। और जब उनके इनोवेशंस मैंने देखा, मैं हैरान था। सेना के काम आने वाली टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, कपड़ों के संबंध में, इतने बारीक छोटी छोटी चीजों में उन्होंने बदलाव ला करके बताया था, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो सेना के कितना बड़ा काम आएगा, राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना बड़ा काम आएगा। लेकिन उस आखिर इंसान की तरफ देखता कौन है जी? उसकी क्षमता को कौन स्वीकार करता है? मुझे ये माहौल बदलना है कि मेरे उद्योगकार मित्र बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आया हुआ ही व्यक्ति दुनिया को कुछ देता है ऐसा नहीं है। छोटा सा छोटा व्यक्ति दुनिया को बहुत कुछ दे करके जाता है, सिर्फ हमारी नजरों की तरफ नहीं होता है। और इसलिए हमें कल्चर विकसित कर सकते हैं, व्यवस्था विकसित कर सकते हैं कि जिसमें उन और मैं तो चाहता हूं श्रमिक संगठन भी ऐसे लोगों को सम्मानित करें, उद्योग भी सम्मानित करें, और सरकार भी श्रम संसद के समय इस प्रकार के सामान्य मजदूर ने किए हुए इनोवेशन, जिसने देश का भला किया हो, उसका सम्मान करने का कार्यक्रम करके हम श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाएं, उस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। हमने एक नए तरीके से चीजों को कैसे सोचना चाहिए, नए चीजों को कैसे बदलाव लाना चाहिए, उस पर सोचने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मजदूर हमेशा मजदूर क्यों रहे। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पिताजी एक कारखाने में काम करते हैं, बेटा भी साथ जाना शुरू कर दिया, और वहीं काम करते 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 एक आध चीज सीख लेता है और अपनी गाड़ी चला लेता है। उसके पास ऑफिशियल कोई डिग्री नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, और उसके लिए वो हमेशा उस उद्योगकार की कृपा पर जीने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है कि उसको जिसके यहां उसके पिताजी काम करते थे, अब उसको वहीं पर काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है, लेकिन स्किल को दुनिया के अंदर ले जाने के लिए एक जो सर्टिफिकेट चाहिए वो नहीं है, तो कोई घुसने नहीं देता है, और वो भी कहीं जाने की हिम्मत नहीं करता है। उसको लगता है चलिए यही मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मेरे बाप को संभाला था, मुझे भी संभाल लिया, चलिए भाई जो दे मैं काम कर लूंगा। इससे बड़ी अपमानजनक कोई स्थिति नहीं हो सकती भाई। और इसको बदलने का मेरे भीतर एक दर्द पड़ा था, और उसी में से हमने एक योजना बनाई है। और मैं मानता हूं ये योजना श्रमिक के जीवन को, और मैं नहीं मानता हूं किसी श्रमिक संगठनों का कभी इस पर ध्यान गया होगा, कभी उसने सोचा नहीं होगा कि कोई सरकार संवेदनशील कर सरकार श्रमिकों के लिए सोचती है तो कैसे सोचती है। हमने कहा कि जो परंपरागत इस प्रकार की शिक्षा पाए बिना भी चीजों को करता है, भले उसकी उम्र 30 हो गई हो, 40 हो, 50 हो गई होगी, सरकार ने उसको सर्टिफाई करना चाहिए, ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना चाहिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना चाहिए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, और वो एक उद्योगकार के यहां कभी अपाहिज बनकर के जिंदगी नहीं गुजारेगा। हमने ऑफिशियली ये डिसीजन लिया। कहने का तात्पर्य है कि हमने इन दिशाओं में सोचने की आवश्यकता है, हम बदलाव करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक बात की ओर ध्यान देने की मैं आवश्यकता समझता हूं, इसको कोई गलत अर्थ ना निकाले, कोई बुरा ना माने, कभी कभार जब चर्चा होती है कि उद्योग की भलाई, ये बात ठीक है कि देश की भलाई के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है,
उद्योग की भलाई और उद्योगपति की भलाई, इसमें बहुत ही बारीक रेखा होती है। देश की भलाई और सरकार की भलाई, इसमें बहुत बड़ी बारीक रेखा होती है। श्रम संगठन की भलाई और श्रमिक की भलाई, बहुत बारीक रेखा होती है। और इसलिए इस बारीक रेखा की नजाकतों को कभी कभार उद्योग बचाना चाहते हैं, लेकिन सचमुच में कभी कभार हम उद्योगपति को बचा लेते हैं। कभी कभार हम बात तो कर लेते हैं देश को बचाने की, लेकिन कोशिश सरकारों बचाने की करते हैं। और उसी प्रकार से कभी कभार हम बात श्रमिक की करते हैं, लेकिन हम कोशिश हमारे श्रम संगठन की सुरक्षा की करते हैं। हम तीनों पार्टनर यहां बैठे हैं, हम तीनों पार्टनर यहां बैठे हैं, और तीनों ने इस बारीक रेखा की मर्यादाओं को स्वीकार करना होगा, लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करना होगा। तब मैं मानता हूं श्रमिक का भी भला होगा, देश के उद्योग के विकास की यात्रा भी चलेगी, और देश का भी भला होगा। सरकारों की भलाई के लिए नहीं चलता है। और इसलिए इन मूलभूत बातों की ओर हम कैसे मिल बैठ करके एक सकारात्मक माहौल बनाने के भी 10 कदम हो सकते हैं, श्रमिक की भलाई के 10 कदम हो सकते हैं, आवश्यक है तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के भी 10 कदम हो सकते हैं, वो भी उसके साथ साथ आना चाहिए। जब तक हम इन बातों को संतुलित रूप से आगे नहीं ले जाएंगे, तब तक हम माहौल बदलने में सफल नहीं होंगे। और मुझे विश्वास है कि आज की श्रम संसद में बैठ करके हम लोग उस माहौल को निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत में 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। हमारा देश एक प्रकार से विश्व का सबसे नौजवान देश है। आज दुनिया को स्किल वर्कफोर्स की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट और स्किल इंडिया, ये मिशन हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, अगर हम जो आज रोजगारी में है या जो हमारे संगठन के सदस्य है उनकी चिंता कर करके बैठेंगे, तो हो सकता है कि उनके हितों का भी भला हो जाएगा, उनकी रक्षा भी हो जाएगी, दो चार चीजें हम उनको दिलवा भी देंगे। लेकिन यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसी सीमित सोच वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति जो आज श्रमिक है उनकी तो चिंता करता ही करता है, लेकिन जो नौजवान बेरोजगार है, जिनको कहीं न कहीं काम मिल जाए इसकी उसको तलाश है, हमें उनके दरवाजे बंद करने का कोई हक नहीं है। जब तक हम हमारे देश के और नौजवानों को रोजगार देने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो हम जाने अनजाने में गरीब का कहीं नुकसान तो नहीं कर देंगे। हो सकता है वो आज गरीब है, श्रमिक नहीं बन पाया है, वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और इसलिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, अप्रेंटिसशिप को प्रोत्साहन देना। हमें जानकर के हैरानी होगी, हम सबको लगता है हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, और कभी पीछे रहता है तो हम ही लोग कहते हैं देखो बातें बड़ी करते थे, वो तो यहां पहुंच गया, ये तो यहां रह गया, ये हम करते ही हैं। लेकिन जो पहुंचे हैं आज चीन के अंदर, जो कि साम्यवादी विचार से चलने वाले मूलभूत तो लोग हैं, चीन के अंदर 2 करोड़ अप्रेंटिसशिप पर लोग काम कर रहे हैं। चीन के अंदर
जापान में 1 करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं, जर्मनी बहुत छोटा देश है, हमारे देश के किसी राज्य से भी छोटा देश है, वहां पर 30 लाख लोग अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना चाहिए, 125 करोड़ का हिंदुस्तान, सिर्फ 3 लाख लोग अप्रेंटिसशिप पर काम कर रहे हैं। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूं, मैं सभी श्रमिक संगठनों से पूछना चाहता हूं, क्या इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इन नौजवानों के लिए अवसर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। और भारत को आगे बढ़ाना है तो हमारे स्किल को काम में लाने के लिए ये हमें अवसर देना पड़ेगा। सरकारों ने, उद्योगकारों ने भी सोचना होगा, इसलिए कि कानून के दायरे में फंस जाएंगे, इसलिए कोई अप्रेंटिसशिप किसी को देनी नहीं, किसी नौजवान को अवसर नहीं देना। ये उद्योगकार जी जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं, मैं नहीं मानता हूं ये लंबे अरसे तक दरवाजे बंद करके के बैठ पाएंगे। देश का नौजवान लंबे अरसे तक इंतजार नहीं करेगा। और इसलिए मैं उद्योगकारों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपका दायित्व बनता है, मुनाफा कम होगा होगा, लेकिन अगर इतनी मात्रा में आपके यहां श्रमिक हैं तो इतनी मात्रा में अप्रेंटिसशिप ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए। और इस प्रकार से क्या हम सपना नहीं दे सकते, 2 करोड़ कम न पाए, ठीक है, जब कर पाएंगे कर पाएंगे, अभी कम से कम 3 लाख में से 20 लाख अप्रेंटिसशिप पर जा सकते हैं हम क्या? कम से कम इतना तो करें, करोड़ों नौजवानों को रोजगार चाहिए, कहीं से तो शुरू करें। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो श्रमिक आज हैं उनकी चिंता करने वाले लोगों का ये भी दायित्व है कि जिनकी श्रमिक बनने की संभावना है उनकी जिंदगी की भी चिंता उस नौजवान की भी करने की आवश्यकता है जो गरीबी है। पिछले 16 अक्टूबर को हमने श्रमेव जयते के अभियान की शुरुआत की थी। यह सर्वांगीण प्रयास है हमारा, जिन सुधारों की शुरुआत हमने की उनकी प्रगति आप सबके नजर में है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, इसके माध्यम से प्रोविडेंट फंड के अकाउंट पोर्टेबल हो गए हैं, बल्कि लगभग 4 करोड़ 67 लाख मजदूरों को डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी लाभ मिलना शुरू हो गया है, PFP ऑनलाइन लाभ ले सक रहा है। ये चीजें नहीं थी, इन चीजों का वो लाभ ले रहा है, यही तो श्रमिक को एम्पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने का प्रयास किया। जब हम सरकार में आए, हमारे देश में कई लोग ऐसे थे कि जिनको 50 रुपये पेंशन मिलता था, 80 रुपया पेंशन मिलता था, 100 रुपया पेंशन मिलता था, कुछ लोग तो पेंशन लेने के लिए जाते नहीं थे क्योंकि पेंशन से ऑटो रिक्शा का खर्चा ज्यादा होता था। इस देश में करीब करीब 20 लाख से अधिक ऐसे श्रमिक थे जिनको 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया पेंशन मिलता था। हमने आकर के बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लगा है, सबके लिए मिनिमम पेंशन 1000 रुपया कर दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रमिक संगठन, ये हमारा जो प्रोएक्टिव इनिशिएटिव है उसके प्रति भी उस भाव से देखें ताकि हम सबको मिलकर के दौड़ने का आनंद आ जाए, 4 नई चीजें करने का उमंग आ जाए, क्योंकि हमें चलना वही है। और मुझे, मैं मानता हूं अगर इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए होंगे लेकिन श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर है, क्योंकि मैं उसी बिरादर से निकल के आया हूं, मैंने गरीबी देखी है। और इसलिए गरीब के हाल को समझने के लिए मुझे कैमरामैन को लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं उसको भली भांति समझ पाता हूं। और इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूं, भीतर एक आग है, कुछ करना है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, दलित, पीड़ित, शोषित, उनके लिए कुछ करना है। लेकिन हर एक के करने की सोच अलग होगी, रास्ते अलग होंगे, हमारी एक अलग सोच है, अलग रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य यही है,
कि मेरे देश के मजदूर का भला हो, मेरे देश के गरीब का भला हो, मेरे देश के किसानों का भला हो, ये सपने लेकर के हम चल पड़े हैं। और इसलिए जैसे मैंने कहा, हमने अप्रेंटिस एक्ट में सुधार किया, हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मौके बढ़ गए हैं, उस दिशा में हमने काम किया है। आज हमने हेल्थ को सेक्टर को ESIC के 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है। हम कभी कभार ये तो देखते हैं कि भाई क्या मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिले, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए न सरकारों को फुर्सत है, न श्रमिक संगठनों को फुर्सत है। उनको तो लगता है देखो यार कागज पर दिखा दे, ये तुमको दिलवा दिया कि नहीं दिलवा दिया। वो श्रमिक भी बड़ा खुश है, यार मैं इसका मेंबर बन गया हूं, मेरा काम हो गया। मैं स्थिति को बदलना चाहता हूं, मैं श्रमिक संगठन और सरकार की पार्टनरशिप से आगे बढ़ना चाहता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चढ़ना चाहता हूं। और अगर हमने ये अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बदलने की दिशा में काम किया, अब छोटा निर्णय है कि भाई हर दिन चादर बदलो। अब मुझे बताइए, हेल्थ की दृष्टि से, हाइजीन की दृष्टि से, ये सब जानते हैं कि बदलनी चाहिए और लोग मानते होंगे बदल, लेकिन हमको मालूम है कि नहीं बदलते। ठीक है, आया है पेशेंट तो आया है। आखिरकार मुझे रास्ता खोजना पड़ा, मैंने कहा हर दिन की चादर का कलर ही अलग होगा, पेशेंट को पता चलेगा चादर बदली कि नहीं बदली। हमारे देश के बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो मुझे सवाल करते रहते हैं, मोदी कुछ बड़ा ले आओ, बड़ा। बहुत सरकारें बड़ा बड़ा ले आई, मुझे तो मेरे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए कुछ काम करना है, इसलिए मेरा दिमाग इसी में चलता रहता है। यही मैं सोच, और मैं दिल से बातें कर रहा हूं कि ये हमने जो कई चीजों लाए हैं, हम चाहते हैं कि श्रमिक के हेल्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और हमने उस दिशा में, हमने एक तो उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं, ताकि अब उसको अपना ब्लड टेस्ट का क्या हुआ, यूरिन टेस्ट का क्या हुआ, दुनिया भर में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था की है, ताकि श्रमिक को सुविधा कैसे हो। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं उस काम के कारण उसको लाभ होगा। आज हमारे देश में असंगठित मजदूर कुल मजदूरों का 93% है। इस सरकार ने असंगठित मजदूरों के संबंध में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में और वेल प्लान वे में योजनाएं बनाई हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, न उसे स्वास्थ्य सुरक्षा है, न जीवन बीमा है और न ही पेंशन। और बड़ी संख्या में असंगठित ग्रामीण मजदूर अनपढ़ हैं, जिन्हें अपनी बात कहां कहना, कैसे पहुंचाना, इसकी जानकारी तक नहीं है। ऐसे मजदूर के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने में सरकार का उत्तरदायित्व मानता हूं। देश के गरीब असंगठित वर्गों को ध्यान में रख करके हमने 3 महत्वपूर्ण योजनाएं, और ये योजनाएं गरीब के लिए है, अमीर का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं मानता हूं, सभी श्रमिक संगठनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस बात में मदद कीजिए। अगर किसी के घर में, हम कई यहां संगठन हैं जो असंगठित मजदूरों का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो घरों में बर्तन साफ करने वाले लोग होते हैं, उनका संगठन चलाते हैं, क्या हम कोशिश नहीं करें कि उसके मालिकों को मिलकर के कहे कि भाई आपके यहाँ ये लड़का कपड़े धोता है, बर्तन साफ करता है, या खाना पकाता है, या गाड़ी चलाता है, या आपका धोबी है, इसके लिए ये सरकार की स्कीम है, आप एक मालिक हो, इसके लिए इतना पैसा बैंक में डालो, उसका जीवन भला हो जाएगा। मैं मानता हूं हर कोई इसको करेगा। हम मध्यम वर्ग के लोगों को भी अगर समझाएंगे कि भाई तुम्हारे साथ काम करने वाले जो गरीब लोग हैं उनको इन स्कीम का फायदा तुम दो, तुम्हें कोई महंगा नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे लिए तो एक 5-स्टार होटल का एक खाने से ज्यादा खर्चा नहीं है,
लेकिन उस गरीब की तो जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए हमने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और मैं बताऊं यानी एक महीने का एक रुपया, 12 महीने का 12 रुपया, एक स्कीम ऐसी है एक दिन का सिर्फ 80-90 पैसा, साल भर का 330 रुपया, लेकिन उसको जीवन भर उसकी व्यवस्था मिल सकती है। ये काम उसके मालिक जिसके यहां वो काम करता है वो कर सकते हैं, और श्रमिक संगठन एक सामाजिक काम के तौर पर इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार से कंधा मिलाकर काम करेंगे, मुझे लगता है कि इसका उसको फायदा होगा और हमने ये फायदा दिलवाना चाहिए। व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना अगर आज से उसको जोड़ दिया जाए, समझा दिया जाए, उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा कि भाई चलो 60 साल के बाद मुझे ये लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि हम एक सामाजिक चेतना जगाने का भी काम करें, सामाजिक बदलाव का भी काम करें और उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारी बातें हम कर पाएंगे। कई विषय है जिसको मैं आपके सामने रखता ही चला जाता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्रम संसद के अंदर जो कुछ भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही है, हमारे वित्त मंत्री और उनकी एक कमेटी बनी है जो उनको सुन रही है, और बातचीत से ही अच्छे नतीजे निकलते हैं, सुखद परिणाम निकलेंगे। कल भी मेरी श्रम संगठनों के प्रमुख लोगों के साथ मुझे मिलने का अवसर मिला था, उनको सुनने का अवसर मिला था, और मैं भली भांति उनकी बात को, उनकी भावनाओं को समझता हूँ। मिल बैठ करके हमें आगे बढ़ना है, और हम देश को आगे बढ़ाने में कैसे काम आए, देश को आर्थिक नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाए, देश में नौजवानों को अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराएं, आज भारत के सामने मौका है, विश्व के परिदृश्य में भारत के सामने मौका है। उस मौका अगर हमने खो दिया तो फिर पता नहीं हमारे हाथ में कब मौका आएगा, और उस काम को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी इस श्रम सांसद को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामना है। उत्तम परिणाम निकलेंगे इस भरोसे के साथ, और साथ मिलकर के आगे चलेंगे इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।